क्या आपका नेट बैंकिंग सिस्टम सेफ है? यदि सोशल मीडिया पे आप अपना अकाउंट यूज़ करें, क्या वो सेफ है? क्या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जो आप बैंक की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने बैंक के द्वारा, क्या वो सेफ है? या आपके नेट ऑफिस के नेटवर्किंग सिस्टम या HRMS या CRM मैनेजमेंट सिस्टम जो चला रहे हैं, क्या वो सेफ है? सो गाइस, जब भी सेफ और अनसेफ की बात आती है, ये जब थ्रेट मन में आता है तो सबसे पहले ख्याल आता होगा हैकर्स का। जी हाँ, क्योंकि हम जानते हैं हैकर्स ही वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे होते हैं, इनको सेफ और अनसेफ रखने में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैकर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या होता है और इस टेक्निकल दुनिया में उनकी किस तरह से हुकूमत है हैकर्स की। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे और किसी भी तरह की वीडियो को आप मिस ना करें। सो गाइस, मेरा नाम महफूज वीर आलम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवांस डिजिटल भारत। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हैकर्स की, सो गाइस, हैकर्स तीन तरह के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो टर्म्स है हैकर्स का, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट, जो भी टर्म्स आप सुनते हैं, ये एक्चुअली वेस्टर्न मूवीज से लिए गए हैं। वेस्टर्न मूवीज में जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बैड गाइज होते हैं उनको ब्लैक हैट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो गुड गाइज होते हैं उनको व्हाइट हैट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसी तरीके से वो ये टर्म्स वहाँ से ड्रैप किया गया है, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। सबसे पहले हम व्हाइट हैट हैकर्स की बात करते हैं, ये लोग कौन होते हैं। सो गाइज, व्हाइट हैट हैकर्स को हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। टर्म्स एथिकल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एथिकल्स का मतलब ही होता है एथिक्स, मतलब कि जो लोग एथिक्स पे काम करते हैं, जो उसूलों पे काम करते हैं, जो किसी तरह के गलत काम नहीं करते हैं, जो काम बिल्कुल सही काम करते हैं। सो गाइज, व्हाइट हैट हैकर्स एग्जैक्टली में जो देखा जाए किसी कंपनी के एम्प्लॉई भी हो सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स के भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी कंपनी ने एक मतलब के सॉफ्टवेयर बनाया, अब उनको ये लगा कि ये सॉफ्टवेयर में कोई सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको हैकर्स के द्वारा वो चेक कराना पड़ता है। वो हैकर्स अपने तरीके से, एक हैकर के तरीके से हैक करके वो चेक करते हैं कि इसमें हैकिंग की कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क है, कितना ज़्यादा ये हैक हो सकता है। अब वो हैकर उनके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इनका एक उसूल होता है, ये किसी की परमिशन के बिना, किसी की मर्जी के बिना किसी के सिस्टम में इंटर नहीं करते। जब उनको परमिशन मिलती है किसी सिस्टम ओनर के द्वारा कि आप हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे नेट बैंकिंग के मैनेजमेंट सिस्टम में आप इंटर करें, तो ही वो इंटर करते हैं। और इंटर करके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सिस्टम में, जो भी खामियाँ होती हैं, जो भी एरर्स होते हैं, जो भी हैकिंग रिस्क होते हैं, वो उस सिस्टम मैनेजमेंट ओनर को बता दिया जाता है और उनको उसके बदले में सैलरी या जो भी चार्जेस होते हैं वो उनके वो मिलते हैं। अगर इम्प्लॉई है तो सैलरी मिलेगी और अगर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी उनके चार्जेस होते हैं वो लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह का गलत काम नहीं करते। वो परमिशन के बाद इंटर करते हैं और इंटर करके सिक्योरिटी रिस्क जो होती है वो उन्हें बताते हैं और ठीक भी करते हैं। सो गाइस, ये होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, जो कि एथिकल हैकर्स हैं।